सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास, सबका साथ तो सरकार चाहती है लेकिन सबको बराबर नहीं लाना चाहती है। अध्यक्ष महोदय बिना सबको साथ लाए सबका विकास संभव नहीं है। और सबको साथ लाने के लिए सामाजिक न्याय की बात करनी पड़ेगी, सामाजिक न्याय के रास्ते पे चलना पड़ेगा और बिना जाति जनगणना के सामाजिक न्याय संभव नहीं है। अगर सबका साथ है तो पीडीए के साथ भेदभाव क्यों है? पीडीए के साथ भेदभाव क्यों है? अयोध्या से ज्यादा जमीनों का गोरख धंधा कहीं नहीं हुआ। सत्ता के संरक्षण में रजिस्ट्रियों में अनियमितताएं हुई, कितने घंटे में कितना बदल गया, कुछ मिनट में कुछ करोड़ों कमा लिया। और जिस तरीके का विकास होना चाहिए था वो विकास सरकार नहीं कर पा रही है। सरकार कह रही जाने कितने अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बना दिए हैं। अच्छी बात है, आजमगढ़ का सरकार कहेगी शुरू करने जा रहे हैं, मुरादाबाद का कहेंगे शुरू करने जा रहे हैं, चित्रकूट का शुरू करने जा रहे हैं, ये तीनों समाजवादियों के बनवाए हुए, कुशीनगर भी समाजवादियों का बनवाया हुआ है। मुझे उम्मीद है कि आपके जो नई पॉलिसी बनाई है आपने सेमीकंडक्टर की, उससे दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी किसी और प्रदेश में नहीं जाएगी, उत्तर प्रदेश में ही आएगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश में आने का मतलब है हमारे तमाम उत्तर प्रदेश के नौजवान जो पढ़े लिखे हैं, जो अच्छी डिग्री हासिल है, जिनके हाथ में अच्छी डिग्री है, उन्हें नौकरी करने कहीं और नहीं जाना पड़ेगा, रोजगार के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ेगा, वो अपने घर परिवार के बीच में रह करके नौकरी और रोजगार कर पाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कोई और तरह का समझौता हो जहाँ इसराइल भेजा जा रहा हो लोगों को। सोचिए यूपी में नौकरी नहीं, उनके स्टेटमेंट सुनिए आप, मजबूरी में वो वॉर जोन में काम करने जा रहे हैं और आप कह रहे 40 लाख करोड़ जाने कितने करोड़ को रोजगार दे देंगे। तो आखिरकार रोजगार है कहाँ? अगर रोजगार होते तो लोगों को यहीं रह करके काम करना पड़ता। सरकार विश्वविद्यालयों के बारे में बता रही है कि A++ मिला है सरकार को, वो यूनिवर्सिटी को A+ मिला है, लेकिन सरकार ये बताए उसमें पीडीए को कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इन यूनिवर्सिटियों में पीडीए के लिए कुछ है कि नहीं है? मैं बहुत बड़े आंकड़े नहीं देना चाहता हूं क्योंकि बजट में बोलूंगा तब भी मैं आंकड़े कुछ दूंगा। यूनिवर्सिटीज A+ AAA+ AA+ ये तो हो रही हैं, ये बताया जा रहा है, लेकिन यूनिवर्सिटीज में अपॉइंटमेंट किसका हो रहा है? IAS, IPS, IFS में पीडीए कितना है? महिला आयोग में पीडीए कितना है? अध्यक्ष मोदी जब मैं सदन में आया ही आया था तो पीडीए के लोग बोल रहे थे। महिला आयोग में पीडीए कितना है? यूनिवर्सिटी में जॉब्स में, बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कुल भर्ती में पीडीए केवल 3% है। जो लोग
मेडिकल कॉलेज के लिए जगह ढूंढ रहे हैं बलिया में, जननायक चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी भर्ती में, पीडीए जीरो, पीडीए जीरो। और अगर मेडिकल कॉलेज बनाना है तो मैं समझता हूँ वहाँ पर्याप्त जगह होगी, किसी और की जगह पर क्यों जाना जब आपके पास यूनिवर्सिटी में ही जगह है, पर्याप्त जगह है। तो मेडिकल कॉलेज अगर बनना है तो वहीं बनाए आप। हिंदी न्यूज चैनल में पीडीए 3%, हिंदी न्यूज चैनल एडिटर्स और अन्य स्थानों पे पीडीए कितना है? 3%। यूपी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर्स पीडीए कहाँ है उसमें? फिर पीडीए जाएगा कहाँ? फिर पीडीए कहाँ जाए? पीडीए जाए कहाँ फिर? मैं जानता हूँ पीडीए पे नहीं बोलेंगे आप, मैं जानता हूँ पीडीए पे नहीं बोलेगा कोई। जो लोग कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस है, जीरो टॉलरेंस लॉ एंड ऑर्डर पर, फिर महिलाओं के ऊपर सबसे ज्यादा अपराध क्यों, सबसे ज्यादा घटनाएं उनके ऊपर क्यों, देश में सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश क्यों? योगी आप कहते हैं कि महिलाओं बहन बेटियों के साथ उनके राज में छेड़खानी रेप नहीं होता, दुष्कर्मी अगले चौराहे पर मार गिराए जाते हैं, बीएचयू में एक बहन के साथ क्या हुआ कोई आज के समय पे कल्पना नहीं कर सकता, एक बेटी और बहन के साथ क्या हुआ, जो लोग पकड़े गए हैं वो तीनों के तीनों भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के मेंबर हैं वो। और अध्यक्ष महोदय, कोई आसानी से मुख्यमंत्री के साथ फोटो नहीं खिंचवा सकता, तीनों की फोटो हमारे नेता सदन के साथ है। प्रशासन सरकार को पता था लेकिन क्या किया सरकार ने? और मुझे याद है जब खानपुर में एक मां बेटी के ऊपर बुलडोजर चलाया गया था और आग लग करके मां बेटी जिंदा जल गए थे, पिता और उसका भाई देखता था बचा नहीं पाया, जब वो न्याय मांगने गया तो उसके कपड़े उतार दिए गए, वहां के अधिकारियों ने कपड़े उतरवाए, ये जीरो टॉलरेंस है सरकार का। और उस समय डिप्टी सीएम क्या कहते हैं, उन्होंने जो ऑनलाइन बात की उससे, शिवम ये घटना बहुत ही दुखी करने वाली है, बहुत ही ज्यादा दुख है, हमें पूरी तरह से तुम्हारे साथ हैं, जब से हमने सुना है कार्रवाई कर रहे हैं, जो आरोपी हैं उन पर एफआईआर दर्ज हो गई 302 की है, हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, किसी को नहीं बख्शेंगे, तुम हमारे परिवार के सदस्य हो, हम तुम्हारे साथ हैं, पूरी सरकार तुम्हारे साथ है, जो तुम्हारी मांगे हैं उन पर गंभीरतापूर्वक काम करेंगे। अध्यक्ष महोदय, जो मांगे उस परिवार ने मांग की थी क्या सरकार ने पूरी कर दी? क्या आरोपियों पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो गई? क्या आरोपियों पे सख्त कार्रवाई हुई है क्या?
जो जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, उनके समय पर जीरो लॉ एंड ऑर्डर है, जीरो लॉ एंड ऑर्डर। और एक घटना नहीं, घटनाएं कितनी गिनाई जा सकती हैं। 6 से तंग आकर 30 छात्राओं ने छोड़ दिया स्कूल। गैंगरेप पीड़िता के बरेली में हत्या। बदायूं में कार्रवाई न होने से हाथ दुष्कर्म पीड़िता ने खुदकुशी की। मैं कितनी घटनाएं बताऊं। खेत गई किशोरी के हाथ बांधकर किया दुष्कर्म। स्कूल में नाबालिग से किया गैंगरेप। नौकरी की तलाश में प्रतापगढ़ पहुंची युवती के साथ गैंगरेप। प्रिंसिपल की अश्लील हरकतें सामने आईं तो स्कूल से कटवा लिया नाम। दुष्कर्म पीड़िता ने दी जान। तीसरे दिन शव साथ लेकर थाना घेरने गई। सामूहिक दुष्कर्म पीड़ित महिला की हत्या। युवती को अगवा कर दुष्कर्म किया। छात्रा को बंधक बनाए तमंचे से बल पर रेप। महिला कांस्टेबल से दरोगों ने किया दुष्कर्म। कितनी घटनाएं मैं बताऊं आपको, न जाने कितनी घटनाएं। और ये सरकार कह रही है कि जीरो टॉलरेंस है। ये सरकार न्यूज कंट्रोल कर रही है, ये सरकार न्यूज कंट्रोल करती है, अपराध कंट्रोल नहीं कर रही है सरकार। और इसी का परिणाम है कि लॉ एंड ऑर्डर, लॉ अलग चल रहा है, ऑर्डर अलग चल रहा है। और जहां भाजपा के नेता शामिल हैं, भाजपा सरकार महिला नेता ने अपनी ही पार्टी के पदाधिकारी को लात घूंसों से पीटा। बीजेपी नेता को महिलाओं ने दौड़ा दौड़ा कर चप्पलों से पीटा। पुलिस कर्मियों ने भाजपा नेता की लगाई पिटाई। धरने में बैठे नेता, एसपी ने 4 लोगों को सस्पेंड किया। ये है लॉ एंड ऑर्डर आपका। और सबसे बेटर जो रिस्पॉन्स सिस्टम था, उस रिस्पॉन्स सिस्टम को बर्बाद अगर किसी ने किया तो इस सरकार ने बर्बाद किया, इस सरकार ने बर्बाद कर दिया। पहले नाम बदल करके और उसके अब काम करने के तरीके से, अब तो लोग घबराते हैं कि 100 नंबर अगर मिलाए, 112 मिला दिया तो वो वसूलने आ जाएंगे। अब मदद नहीं हो रही है, उससे पैसा वसूला जा रहा है।